मणिपुर के लोग अपने पीएम को अपने बीच देखना चाहते हैं। 1.25 साल से प्रधानमंत्री जी की तरफ से जिक्र नहीं होता। हम लोग जब वॉकआउट कर गए तो कुछ बोले, वो भी सत्य के आधार पर नहीं था। इस बात का उनको एहसास करना होगा, किसी ने वोट दिया या ना दिया, देश के तो प्रधानमंत्री आप ही हैं। एनटीए नाम की चीज, मैंने सदन में भी कहा, इसको डिसमेंटल करो। मणिपुर के लोग क्या कह रहे हैं ये सोचना चाहिए ना। मणिपुर के लोग आप हटा दीजिए कांग्रेस बीजेपी फलाना ढिमकाना, मणिपुर के लोग अपने पीएम को अपने बीच देखना चाहते हैं। 1.25 साल से दहक रहा है, कितनी जानें चली गई, कैसे विजुअल्स हमने देखे, और प्रधानमंत्री जी की तरफ से जिक्र नहीं होता। हम लोग जब वॉकआउट कर गए तो कुछ बोले, वो भी सत्य के आधार पर नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी इस बात का उनको एहसास करना होगा, किसी ने वोट दिया या ना दिया, देश के तो प्रधानमंत्री आप ही हैं। वोट ना देने वालों का कोई अलग प्रधानमंत्री नहीं होता है, उसकी पीड़ा को अगर आप इम्पैथी के साथ समझते हुए इंटरवीन नहीं करते तो ये कलंक की तरह लगता। नीच को बॉचअप करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया बच्चों के भविष्य को, अपने अहम अपनी हठधर्मिता में। अव्वल तो पहले क्लीन चिट दे बैठे, उसके बाद जब कुछ साक्ष्य और सबूत आए तो दाएं बाएं करने लगे। मेरा मानना है कि पूरी व्यवस्था में घपले की जड़, फर्जीवाड़े की जड़ एनटीए। एनटीए नाम की चीज, मैंने सदन में भी कहा, इसको डिसमेंटल करो, खत्म करो, और बच्चों के भविष्य में जो सबसे बेहतर निर्णय हो वो लो। ये नहीं कि फर्जीवाड़ा भी हुआ लेकिन हम एफिडेविट दे रहे हैं कि कुछ भी नहीं, उस स्केल पर नहीं हुआ। हु नोज दैट। हमने बहुत कुछ देखा है व्यापम।